السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا

कि अल्लाह रब्ज़त का दीन अल्लाह रब्ज़त की शरीयत हम तक सिर्फ़ और सिर्फ़ सिहबा कराम रजवानल आलि मजमा के ज़रिए पहुँची है कुरान अगर हमारे पास है तो सिहबा कराम की वजह से उनका दिया हुआ उनका लिखा हुआ उनका तिलावत किया हुआ और उनका पहुँचाया हुआ और अगर हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे पास है तो वो भी सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहि मजमाइन की पहुंचाई हुई और महफूज करके हमको दी हुई है आपको मालूम है कि कुरान करीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तेईस साल के अरसे में बतदरीज नाजिल हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अहद तक कुरान करीम का नज़ुल जारी रहा और आप अलैहि वसल्लम जब दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो कुरान करीम कई तरह से अल्लाह इज़्ज़त की हिफाजत से महफूज़ था जिनमें से एक नुमाया जो सूरत थी उसकी हिफाज़त की जिसके बारे में अल्लाह इज़्ज़त ने फ़रमाया फ़ी सदूरम के ये किताब ये शरीयत, ये दीन ये कुरान, अहले इल्म के सीनों में महफूज है वो वह इलम अबू बकर थे, उमर थे उस्मान थे अली थे तलहा व ज़ुबैर थे साद व सईद थे दीगर सहब कर थे वो महातुलमोमिन थी सिहबियात थी इसी तरह लिखा हुआ भी रसूल ल्लाह सल सल्हसम पर जब अल्लाह रब की तरफ से वही नाजिल होती तो ख़ास सिहबा कराम जो लिखना पढ़ना जानते थे उनकी ड्यूटी लगाई गई कि उस वही को लिख कर भी महफूज करें चुनाचे किसी के पास दरख्त की छाल पे लिखा हुआ किसी के पास जानवरों की खाल पे लिखा हुआ किसी के पास चौड़ी हड्डी पे लिखा हुआ क़ुर करीम महफूज था लेकिन दो गत्तों के दरमियान एक किताबी सूरत में मौजूद नहीं था जब रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए आपके दुनिया से जाते ही एक बहुत बड़े फितने ने सर उठाया खत्म नबूवत पर डाका मारने की कोशिश की गई मुसैम कज्जाब ने दावा नबूवत कर दिया सिहाब कराम रिजवान मजमाइन ने उन मुतद्दीन के खिलाफ उन खत्म नबूत के डाकुओं के खिलाफ अलम जिहाद बुलंद किया और औरबानियों की तारीख रकम कर दी अहले इलम बताते हैं और आप भी हिसाब लगा सकते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसलम की पूरी हयात मुबारक में जितने भी गजवात हुए हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसम ने जिन में बनप नफीस खुद शिरकत की या आप सल असल्लम ने सहाब कराम के ग्रोह और लश्कर भेजे सब में सहब कराम की जितनी शहादतें हैं उन सब से बढ़कर इस एक गजबे में शहादतें हुई जो खत्म नबूत के दिफा के लिए गजबा किया गया और ने इस्लाम से लड़ाई की गई उस एक गजबे में सिहबे कराम की कसीर तादाद जो कुर्रा हुफाज उलमा पर मुश्तमिल थी शहादत का जाम नोश कर गई इस पर सैदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ने यह सारा सही बुखारी में मौजूद है कि उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह मशवरा देते हैं उस वक़्त के खलीफतुलमसिम सदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह को कि जिस कदर बड़ी तादाद में एक ही गजबे में सहबा कराम शहीद हो गए हैं जिनमें बड़े बड़े नामवर कुर्रा होफाज और हैं अगर इसी तरह के दोबारा गजवात हो गए तो कहीं ऐसा ना हो कि कुरने करीम का बड़ा हिस्सा हमसे जाया हो जाए क्योंकि उन सहाबा के सीनों में महफूज है चुनाचे सैदुना अबूबकर रजी अल्लाह ने गौर व खौज के बाद सैदना उमर रजी अल्लाह के मशवरे को दुरुस्त समझा कुरने करीम को जमा करने का हुक्म दिया और इस हवाले से ड्यूटी सैदना जैद बिन साबित रजी की लगाई जो कि खुद एक कारी थे। और रसूल से वाफिर तादाद में इलम करके महफूज करने वाले थे सिहाबी रसूल जैद बिन साबित रजी अल्लाह कहते हैं कि जब मेरी ड्यूटी लगाई गई कुर करीम को जमा करने की उस वक़्त इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं समझता था कि अगर मुझे एक पहाड़ को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखने का हुक्म दिया जाता मेरे लिए उसको करना आसान था बनिस्बत कुरान करीम की हिफाजत और उसकी जमा की जो जिम्मेदारी थी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कुरान करीम को सिहाब कराम से एक एक सहाबी से जो जो आयात उसको याद हैं खुद, कारी हैं, खुद हाफिज हैं इसके बावजूद साथ साथ है। की तरगीब से लिखा था वो मंगवा कर उसको महफूज करते चले जाते हैं तो कुरने करीम सयदना उमर बिन खत्ताब अल्लाह के मशुरे से और सयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अनु के हुक्म से महफूज हुआ और उसके बाद फिर पूरी दुनिया में पूरे आलम में कुरान करीम को पहुंचाने की जिम्मेदारी वो भी रसूल के सिबी उस्मान बिन अफान रजी अल्लाह उन्होंने सर अंजाम दी उन्होंने जो कुरान करीम जमा किया गया था उससे दीगर नकूल तैयार करवाई दीगर मसाहिब तैयार करवाए उसको लिखवा कर किताबी सूरत में कुरान करीम के नुस्खे तैयार करवाए और पूरे आलम में उसको तकसीम कर दिया आज भी कुरान करीम के लिखने का जो तरीका है आज भी वही है जो उस्मान बिन किया था। जिसे नस्खे उस्मानी कहते हैं कि यह सयदा उस्मान बिन अफान रजी का बनाया हुआ और तरतीब दिया हुआ खत है जिसके मुताबिक कुरान करीम को आज भी पढ़ा जाता है और ताक्यामत पढ़ा जाता रहे इसलिए हम कहते हैं कि सिहाबा का दिफा दरअसल कुरान का दिफा है सिहाबा न होते या सिहाबा को मनफी कर दिया जाए अपने दीन और ईमान से तो हमारे पास कुरान करीम भी नहीं रहता है इसीलिए जिन लोगों के दिलों में सिहाब कराम की अजमत नहीं है जो नबी करीम के सिहाबा के ईमान को नहीं मानते हैं उनके नजदीक आज कुरान मशकूक है नवजुबिल और वो इस चीज का दावा करते नजर आते हैं कि एक आने वाला आएगा उसके पास कुरान असली नुस्खा होगा जिसमें इतनी इतनी आयात हैं तो हमारे पास सिहाबा का महफूज करता कुरान अल्लाह के फजल से महफूज है इसलिए हम कहते हैं कि का दिफा ये हमारे ईमान का दिफा है ये हमारे इस्लाम का दिफा है ये हमारे कुरान का दिफा और रसूल सल सल्लाम की सीरत उस वसना लखद का नकुम फी रसूल ही उस अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मुसलमानों के लिए मोमिनों के लिए कि तुम्हारे लिए रसूल वसल्लम की जिंदगी में उसवा हसना है आप रोल मॉडल हैं आप हमारे लिए नमूना है वो नमूना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के वो हसीन मोती सिहब रजवानजमाइन ने महफूज किए और उम्मत तक पहुंचाए उन सहाबा में अबू बकर भी हैं उमर भी हैं उस्मान भी हैं अली भी हैं सादो सईद अब्दुलरहमान बिन औफ अबू उबैदा बिन जड्रा और सैदनाविया सैदा अबू सुफियान और दीगर सहाबा है उमहातिन है सैयदा आयशा सिद्दीका रजियाल्ला है जो कायनत बन गई रसूल सल्लाम की खलवत और जलवत के उन्होंने वो मोती उम्मत को महफूज करके दिए हैं ये सहाबा क्राम की बरकत है कि आज हमारे पास सीरत मौजूद है जो लोग क़राम को नहीं मानते या जिनके दीन और ईमान में सहाबा शामिल नहीं है उनके पास नबी करीम वसल्लम की कोई सीरत नहीं वो ना आपकी बदर बयान कर सकते हैं ना आपकी उहद बयान कर सकते हैं ना आपकी बेहतर रिजवान बयान कर सकते हैं ना आपकी फतेह मक्का बयान कर सकते हैं ना हुनैन बयान कर सकते हैं न तबूक बयान कर सकते हैं क्यों ये सारे वाक़ रसूल वसलम की सीरत के ये मोती सिहबे कराम ने महफूज करके उम्मत को दिए

जो आप खलवत में देखते थे वो उम्मा मोमिनीन देखती थी सयदा आयशा सिद्दीका रजी अन्हा ने आपकी खलवत का सारा खाका और आपकी खलवत की जो जिंदगी हमारे लिए मिशल राह थी वो उन्होंने बयान करके हम तक पहुँचाई है इसलिए हमारा दीन और ईमान है रिजवानुल्लाह करजवान मजमाइन कौन सा दीन का शोबा है आपके अकीदे से लेकर आपकी इबादत तक आपकी नमाज से लेकर आपके रोजे हज और सदका व खैरात तक सब कुछ क़राम ने बयान किया आपकी तहारत से लेकर आपके गुसल से लेकर सारा तरीका मोहम्मद और सल्लम से सहब कराम ने बयान किया आप नमाज पढ़ना चाहते हैं नमाज पढ़ने का इरादा है नमाज उस तरह पढ़ेंगे जिस तरह मोहम्मद और ने पढ़ी है उससे पहले आप तहारत हासिल करेंगे उससे पहले आप वजू करेंगे उस तरीके से जिस तरह मोहम्मद सल्लाम ने किया है तो आपको मानना पड़ेगा कि ये दीन और शरीयत हमें किराम के जरिए मिली है। अगर उनको ना माना जाए आपके पास वजू का तरीका नहीं आपके पास गुसल का तरीका नहीं मोहम्मद का तरीका आप वसल्लम की बयान किया वो सैयदाइशा रजिया ने बयान किया वो सैयदा महमूना रजिया ने बयान किया है और दीगर सहाबियात ने जो मोमिनीन है उन्होंने बयान किया आपके वजू का तरीका वो करीम का बयान करते हैं बल्कि करके दिखाते हैं और उसके बाद फरमाते हैं मोहम्मद को मैंने अपने कानों से सुनाया उन्होंने फरमाया मन तबू जो शख्स मेरे इस वजू की तरह वजू करे उसके बाद दो रखते हैं, खाली उस जहन होकर पड़े तवज्जो इल्तिफार सिर्फ रब्बुल इज्जत की तरफ हो मिन जम्बी अल्लाह रब्बुल इज्जत इन दो रक्तों की बदौलत उस वजू की बदौलत जो मोहम्मद से सीखा है उसकी बदौलत अल्लाह रब्बुल इज्जत सारी जिंदगी के पहले सारे गुनाह माफ फरमा दे वजू हमें सिहाबा कर मिला है कहीं मुगी इब्ने शोबा रजी अल्लाह अनु वो हमें वजू का तरीका बयान करते नजर आते हैं

सिहाब रसूल खलीफा दो मुसलमानों के दूसरे खलीफा अमीर और उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह की बयान करता है कहाँ जाएंगे आप कौन सी नमाज पढ़ेंगे सिहाब कराम के ईमान को मशकूक समझ कर अल्लाह बही पढ़ेंगे बताए किसने बयान किया है अब हुरार रजी अल्लाह पूछने वाला पूछता है पूछने वाला पूछता है कि रसूल सल्लासम से आप जब खामोश होते हैं किराज से पहले तकबीरे तहरीमा के बाद किराज से पहले आप खामोश होते हैं तो क्या पढ़ते हैं तो मोहम्मद फरमाते पढ़ता हूँ सिहाबा ने बयान किया है दीन सूरत फातेहा पढ़ते हैं उबादा इब्ने सामित हैं बयान करने वाले सहाबी रसूल मोहम्मद ने फरमायाबी फातहा जो नमाज में सूरत नहीं पढ़ता उसकी कोई नमाज नहीं सूरत को दीगर सहाबा बयान करते हैं अब हुरार करते मोहम्मद सल्लाह ने फरमायाल्लाता है कसम तो सलाह तब नहीं वो भाई आप दी मैंने नमाज को अपने और बंदे के दरम्यान दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है एक हिस्सा मेरा है और एक हिस्सा मेरे बंदे का है बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैं कहता हूं असना हामिदी मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की है बंदा कहता है रहमान मैं कहता हूँ असना अलिया मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की है। बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन -um मैं कहता हूँ मस्जिद अनियादी मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी और बड़ाई बयान किए और फिर उसके बाद जब बंदा कहता है इया का नाबुदा या का रस्ता इस दिन से रात मांगने लगता है सीधे रास्ते की हिदायत मांगने लगता है मुन अलम लोगों का रास्ता मांगने लगता है तो अल्लाह फरमाता है जो हमद वाले कलिमा थे जो तारीफ और बुजुर्गी वाला हिस्सा था वो मेरे लिए है और उसके बाद जो दुआओं का हिस्सा है वो मेरे बंदे का है वो अब माशा आला मैं अपने बंदे को वो दे देता हूँ जरूर जो बंदा मुझसे नमाज में सवाल करता है किसने बताया है अबू हुरार रजी अल्लाह ने बताया है कि मोहम्मद ने अल्लाह से बयान किया है कि मैंने सूर फातिहा को नमाज करार दिया है और नमाज को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है सूरत फातिहा ही नमाज है ये सिहाबे कराम ने बयान किया है वो अबू हुरार रजी अल्लाह का बयान कर दिया है रुकू में चले जाए रुकू की तस्बी से लेकर फजदे की तस्बी तक खड़े होकर आपने क्या पढ़ना है रुकू के बाद सभी अल्लाहि रबना वाले कलम फिर उसके बाद सजदे करने हैं सजदे के बाद तशाद में क्या पढ़ना है दो सजदों के दरमियान क्या पढ़ना है दूसरे सजदे के बाद अत्तहियात पढ़नी है कौन है बयान करने वाला अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह सहाबियािया रसूल हैं वो बयान करते हैं कि रसूल अलैहि वसल्लम हमें तशाह अत्तहियात इस तरह ताकीद से सिखाते जिस तरह कुरान की कोई सूरत हो ये हमें सहाबा ने दीन दिया नमाज सिहाबा के जरिए हम तक पहुंची उसके बाद दुरुदे इब्राहिमी है सिहाबा कहते हैं सिहाबा सवाल करते हैं रसूलुल्लाह वसल्लम से बयान करने वाले बशीर हैं रजी अल्लाह कहते हैं कि रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि हमें अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया है क्या हुक्म दिया है या अयो आमनू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान वालों मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भी पढ़ो और सलाम भी पढ़ो सलाम तो हमें मालूम हो गया आपने हमें सिखा दिया तहियात में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकात सलाम हमें मालूम हो गया दुरूद कैसे पढ़ना है हमने नमाज में सहाबी ने बयान किया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुरूद जो पढ़ना है नमाज में अल्लाह का हुक्म पूरा करना है तो कहो अल्लाह मसल मोहम्मद उम्मद कमा सल तो अला इब्राहिम इब्राहिम ये हमें सहाबा ने नमाज दी है उसके बाद सलाम फेरना है सहाबा ने बताया है नमाज के बाद रोजा है रोजे का तरीका सहाबा ने हमें बताया है रोजा शुरू कैसे करना है इफ्तार कैसे करना है किन चीजों से रोजा टूट जाता है किन से नहीं टूटता सिहाबा ने बयान किया है सिहाबा ने बयान किया है कि मोहम्मद एक दिन सफर में थे तो आपने फरमाया मेरे सिहाबी उतरो पढ़ाओ करो और मेरे लिए सत्तू भगाओ मैं रोजा इफ्तार करना चाहता हूँ ये सिहाबी हैं अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल अभी तो रोशनी नजर आ रही है अभी तो लगता है कि अभी दिन है मोहम्मद फरमाते हैं मेरे सहाबी उतरो जल्दी से सत्तू को भगाओ मैंने रोजा इफ्तार करना है और फरमाया तुम रोशनी को देख रहे हो कायदा ये है कि जब सूरज पर्दों के पीछे छुप जाए सूरज गुरूब हो जाए उस वक़्त दिन का इख्तिताम हो जाता है और रात की इब्तदा हो जाती है और रोजा इफ्तार करने का वक़्त हो जाता है यह हमें सहाबा ने बताया है हज कैसे करना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुजू अन्नी मनासिका कुम आपने हज करके दिखाया और सहाबा को फरमाया मेरे सहाबा हज हज का तरीका मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीख लो याद कर लो ये तरीका तुमने अपनाना है और सहाबा हैं जिन्होंने हज का तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम से याद करके उम्मत को पहुंचाया है सदका व खैरात है जकात है कब फर्ज होती है किस शख्स पर फर्ज होती है निसाब क्या है जो लोग सहाबा को नहीं मानते उनके मजहब में ज़कात नहीं है जाओ आज भी मेरा चैलेंज है मुताला करो अदियान का मजाहब का अहले इस्लाम जो मुसलमान होने के दावेदार हैं उनके मज़हब देखो उनकी फिकहें देखो जो सहाबा को मानते हैं उनके अंदर निजामे जक़ात है जो सहाबा को नहीं मानते उनमें जक़ात का कोई तस्वुर नहीं आपको पता है कि बकायदा मंसूबा बंदी से बकायदा मंसूबा बंदी से एक तजवीज बल्कि एक मुतालबा किया गया एक मुतालबा किया गया कि यह कानून बना दिया जाए कि जो शख्स कहे कि मेरा फुला फिका से ताल्लुक है उससे जक़ात माफ कर दी जाए उसके बैंक अकाउंट से भी जक़त ना काटी जाए क्यों इसलिए वो कहते हमारा मजहब है कि जक़त का कोई तस्वर नहीं हल्ला के कुरान बार बार कहता है नमाज का जिक्र करता है तो साथ जकत का जिक्र करता है अकीम उस सलाह उस उसकत नमाज को कायम करो जक़ात दो मुसलमान जक़ात को फर्ज समझता है जक़ात देना उस पर वाजब है लेकिन जो लोग सहाबा को नहीं मानते उनके मजहब में जक़त नहीं यह समझना होगा हमें हमारा सारा दीन सिहाबा इकराम पर मबनी है और मुनहसिर है इसीलिए मोहम्मद ने अपनी उम्मत को भी यह बात बताई अल्लाह ने कुरान में फरमाया फइन आमनतुम आमन बिही फिर अगर तुम सहाबा जैसा ईमान लाओगे तब तुम हिदायत याफ्ता हो तुम्हारा ईमान अगर सहाबा के ईमान से नहीं मिलेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता फइन रबुलरता फैन तब फी शिका तुम हमेशा गुमराह में रहोगे सारी जिंदगी कोशिश मेहनत करते रहो सि का तरीका नहीं अपनाओगे सिहाबा का ईमान नहीं अपनाओगे तुम्हारा ईमान हमारे नजदीक काबले कबूल ही नहीं है कि सिहाबा का तस्करा हो तो उनको जलन होने लगती है यह मुनाफिक का तरीका है अल्लाह फरमाते हैं कुरान में जब इन मुनाफिकों को कहा जाता है कि ईमान उस तरह लाओ जिस तरह से हबा लाए हैं आज भी देखें कौन है जिसके सामने कहा जाए अबू बकरो उमर उस्मान अली की तरह ईमान लाओ तो वो भिदकने लगता है कौन है वो आज भी मुनाफिक सिहाबा के नाम से भिदकते हैं आज भी खार खाते हैं आज भी उनके अंदर दुश्मनी उबलती है अल्लाह ने जब फरमाया सहाबा की तरह ईमान लाओ तो उन्होंने आगे से क्या कहा मुनाफिकीन ने जिनका ईमान से कोई लेना देना नहीं जो अंदर से खोटे हैं जो नाम निहाद ईमान के दावेदार हैं उन्होंने आगे से कहा कि हम उस तरह ईमान लाएं जिस तरह बेवकूफ ईमान लाए नवजुबिल्ला नवजुबिल्ला सहाबा की तोहिन मुनाफिकीन का शेवा है उस वक्त भी नबी के दौर में भी मुनाफिकीन तोहिन करते रहे आज भी मुनाफिकीन तोहिन करते हैं और क्यामत तक मुनाफिकीन ही सिबा की तोहिन करें लेकिन कुर्बान जाए सिहाबा की तोहिन करने वाला सिहाबा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता सहाबा का दिफा अल्लाह ने किया है जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की सुरह की हज कीमान वालों का दिफा करता है

सिब कर तो हरा वो हराबल दस्ता है जिन्होंने इस शरीय को महफूज करके उमत तक पहुंचाया और ताकि आमद महफूज कर दिया इसलिए अल्लाह रब फरमाता इनका दिफा भी हमारे जिम्हे है तो अल्लाह ने फिर दिफा करके दिखाया फरमाया कि जो लोग सहाबा के ईमान पे शुबा करते हैं शक करते हैं या उनकी है, अकलोदानश पर एतराज करते हैं नवज कहते हैं कि ये बेवकूफ है फरमाया खबरदार याद रखो इस बात में कोई शुबा नहीं कि हकीकत में बेवकूफ वो है मेरे, जो मेरे नबी के सहाबा को बेवकूफ कहते हैं। हकीकत में यह खुद बेवकूफ इसी तरह जब जब सिहाबा कर कोई बात हुई जब जब ऐसी कोई हरकत हुई कुफार की तरफ से मुनाफिकीन की तरफ से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने सहाबा का दिफा किया एक और मौका आया जब मुनाफिकीन में बाकायदा मनसूबा बंदी और प्लानिंग के साथ सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा उनकी इज्जत पर हाथ डालना चाहा उन पर तोहमत लगाई उनकी इस्मत को तार तार करना चाहा अल्लाह इज़्ज़त ने ऊपर से कुरान बनाकर दस आयात नाजिल की सूरह नूर की दस आयात अल्लाह अन्हा की बरात पर नाजिल हुई कौन थे सैयदा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा के दुश्मन उस दौर में कौन थे मुनाफिक थे अब्दुल्ला बिन ओब कंपनी थे उन्होंने उस वक्त भी दुश्मनी की आज भी दुश्मनी कर रहे हैं उठाओ किताबें मुताला करो देखो तकरीरें सुनो को जांचो और परखो पता करो कौन है वो लोग जो आज भी अब्दुल्ला बिन ओब एंड कंपनी की जरूरीत है आज भी उनके तरीके पर अमल करते हुए आज भी सैयद आयशा रजी अल्लाह को बुरा कहते हैं अल्लाह ने क्या फरमाया कुरान में सिहाबा का दिफा इस्लाम का दिफा है सिहाबियात का दिफा इस्लाम का दिफा है ये अल्लाह का तरीका अल्लाह की सुन्नत है जब तोहमत लगी अल्लाह इज्जत ने दस आयात नाजिल की सिर्फ बरात ही नहीं बयान की उनकी सदाकत ही बयान नहीं की उनकी इज्जत और इस्मत ही बयान नहीं की बल्कि कायदा कानून बयान फरमा दिया फरमा दिया अन अबदन जाओ आज जाकर कुरान का सूरह नूर का मुताला करो अल्लाह ने कितने सख्त अल्फाज में तंबीह फरमाई फरमाया लास्ट वार्निंग है आखिरी तंबीह है अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें आखिरी तौर पर तंबीह करता है अगर तुम मोमिन हो अगर ईमान में सच्चे हो तो आइंदा नबी की बीवी के बारे में जुबान को हरकत नहीं देनी नबी की इज्जत पर हाथ नहीं डालना नबी की नामूस को तार तार नहीं करना इनको पता था ये असल में जो सहाबा के दुश्मन हैं, दरअसल मोहम्मद वसल्लम से दुश्मनी करना चाहते उस वक्त भी अब्दुल्ला बिन ओब एंड कंपनी को पता था कि हम डायरेक्टली रसूल बर्बाद नहीं कर सकते मुमकिन नहीं है तो उन्होंने क्या किया कभी को बेवकूफ कह दिया कभी रजी पर इल्जाम लगा दी कभी आपके दीगर सिहाबा की तोहन कर दी कभी यह कहा जाए सही सलामत तो हम जरूर भी जरूर जलीलों को अपने वतन मदीना से निकाल कर रहेंगे नौजुबिल्ला को जलील किसने कहा मुनाफिक ने और अल्लाह ने सूरा मुनाफिक में जिक्र किया ये बात अल्लाह रबुल्जत ने मुनाफिक की जो उनका तरीका है उनका तर्ज अमल है या उनका जो अकीदा है ये पूरी सूरत ही मुनाफिकों के नाम से नाजिल की और उसमें बयान किया कि ये दावा करते थे इनके दिल की यह हसरत थी कि हमें अगर कुत मिले और गलबा मिले हम जरूर इन जलील लोगों को नवजुबिल्ला निकाल देंगे हम सिर्फ इज्जतदार हम हैं हम मदीने में रहेंगे इनको मदीने में नहीं रहने अल्लाह इज्जत ने क्या फरमाया वज्ज्जत वाली रसूल ही वाली तुम्हें पता नहीं मुनाफिको इज्जत अल्लाह के लिए है उसके रसूल के लिए है और मोमिनों के लिए यानी ए सिहब के लिए इस दुनिया में अगर इज्जत है वो ए कराम की इज्जत है अगर सिहबा की इज्जत नहीं तो कोई किसी की इज्जत नहीं याद रखें सिहाबा कराम का दिफा ये हमारे दीन और इस्लाम का दिफा हमें अकीदा उन्होंने दिया हमें अमल उन्होंने दिया कुरान की तफीर उन्होंने हमें पढ़ाई जो मोहम्मद और रसूल सलम से उन्होंने सीखी थी कुरान की तफसीर खुद मोहम्मद और रसूल सल्लाम से सीखते हैं और आगे उम्मत को सुनाते हैं कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने हिदायत पाई है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि क़राम सिब कर रिजवान से उन्होंने बात पूछी सही बुखारी में किताब तफसीर में दर्ज है एक ताबी है जिनका नाम मसरूक है मसरूक बिन अजदा वो आते हैं सवाल करते हैं सैयद आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह से उमुल से या उम्मता हल रहा मोहम्मद मेरा सवाल ये है अम्मी जान मेरी माँ मुझे बताए क्या मोहम्मद ने अपने रब को देखा है आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अकीदा बताती अकीदा हमें सिबा ने बताया हमारा अकीदा सिहाबा ने संवारा सैदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह फरमाती हैं कफ कफरी में माकुलता मशरूख जो तुमने सवाल किया है मेरे रोंगटे खड़े कर दिए तुमने तुमने तो मेरे रोंगटे खड़े कर दिए है मुझे डरा के रख दिया है परेशान कर दिया है क्यों इतनी साफ बात तुम्हें समझ नहीं आई कुरान नहीं पढ़ा अल्लाह रब्बुल रबुल्जत का लसार वाह हुआ लबसार। को लसार अल्लाह रबुल्जत को दुनिया की आंखें नहीं देख सकती दुनिया की आंखें अल्लाह का दीदार नहीं कर सकती ये अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कुरान क्यों नहीं पढ़ते हो? फरमाती है, हैं सलासुम मन हद नफ कज़ब तीन बातें पल्ले बांध लो अकीदा याद रखें सहाबा का दिया हुआ सहाबियात का दिया हुआ उम्मिल सैदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह का दिया हुआ अकीदा फरमाती है तीन बातें बात तो एक पूछी थी लेकिन उम्मत की खैर खाई में तीन बताई मैं तीन बातें जो भी कहे झूठा है जान लो के झूठ बोल रहा है तीन बातें कभी हो ही नहीं सकती जो शख्स ये कहे कि मोहम्मद ने दुनिया में अपने रब को देखा है जान लो के वो झूठ बोल रहा है लोग कहते हैं मेराज के मौके पर मोहम्मद ने अल्लाह को देखा है झूठा बात झूठा दावा है सैयदा यह सही बुखारी की फरमाया नबी करीम ने अपने रब को नहीं देखा हाँ ये बात किताबों सुन्नत में मजकूर है और ये भी सिहाबा ने बयान की मोहम्मद और रसूल से कि क्यामत के दिन आखरत में मोमिन अल्लाह का दीदार करें पूछा गया अल्लाह के रसूल कैसे दीदार करें दुनिया में अगर हम किसी चीज को देखना चाहते हैं सारे देखना चाहते हैं एक वक्त में देखना चाहते हैं भीड़ पड़ जाती रश हो जाता है दकम पेल होती है मुसीबत बन जाती है। क्यामत के दिन हम अपने रब को कैसे देखें? तो मोहम्मद ने फरमाया क्या तुमने चौदवी रात के चांद को कभी देखा है देखते हो चौदहवीं रात के चांद को बताओ कि कभी चौदहवीं रात के चांद को देखते हुए कभी भीड़ पड़ी है कभी धक्म पेल हुई कभी रश बना नहीं तो समझ लो अल्लाह इज्जत का दीदार भी पुरमन तरीके से होगा और वसल्लम ने फरमाया कयामत का दिन होगा यह भी सही बुखारी कयामत का दिन होगा जन्नती जन्नत में चले जाएंगे जहन्नवी जहन्नम में चले जाएंगे अल्लाह इज्जत की तरफ से अहले जन्नत को तमाम नेमतें मिल जाएंगी अल्लाह फिर सवाल करेगा जन्नतियों से जन्नतियों मुझे बताओ क्या कोई और चीज भी तुम्हें चाहिए और चीज की तलब है जन्नती अल्लाह इज्जत से अर्ज करेंगे हमारे रब तूने हमें सब कुछ दे दिया जन्नत दे दी सारी आशाइशें दे दी हमें जहन्नम से बचा लिया इससे बड़ी और क्या चीज तू हमें देने वाला हमें सब कुछ तूने पहले ही दे दिया है तो अल्लाह इज्जत फरमाएगा कि नहीं एक चीज और है एक चीज ऐसी है जो तुम्हारी पहली सारी से बड़ी नेमत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस वक्त अहले जन्नत को अपना दीदार कराएंगे तो मोहम्मद ने यह आयत बज़ियादा नेकोकारों को अल्लाह जन्नत भी देगा और जन्नत से जायद इनाम भी देगा ये हमें सहाबा ने बताया है ये अकीदा तो आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह बताती हैं तीन बातें याद कर लो अकीदे की जो शख्स कहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में अपने रब को देखा है गलत बात है झूठ है उसका दावा सच्चा नहीं दूसरी बात जो शख्स ये दावा करे अल्फाज सही बुखारी के हैं बयान करने वाली हमारी माँ उमोन सैयदाइशा से दीका रजील फरमाते हैं जो शख्स ये दावा करे कि मोहम्मद सल्लाम कल की बात जानते होते थे गैब का इलम था झूठ बोलता है मोहम्मद ला नहीं जानते गैब का, का, का खासा है कोई भी मखलूक नबी हो या वली हो कोई गैब नहीं जान अकीदा सदा सिब्बी का रजियाल्ला फरमाती तीसरी बात जो शख्स ये कहे कि मोहम्मद ला ने अल्लाह की वही में से कुछ छुपा लिया है कुछ ऐसी आयात हैं या कुछ ऐसी अल्लाह की तालीमत हैं जो मोहम्मद और रसूल वसलम अपनी उम्मत को तब्लीग नहीं करके गए वो भी झूठ बोलता है अल्लाह ने कुरान में फरमाया है या यासूल बल्ले ए रसूल आप पर जो भी नाजिल किया गया है उसकी आप तब्लीग कर दें लोगों को पहुंचा दें ये आपकी ज़िम्मेदारी है और मोहम्मद इस जिम्मेदारी को बखूबी सर अंजाम दिया है हजरतलवादा के मौके पर रसूलुल्लाह वसल्लम पूछते हैं मेरे सहाबा बताओ हल बल अल्लाह हल बल्लग बताओ क्या मैंने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया कि नहीं पहुंचा दिया तो सारे सहाबा बयक जुबान कहते बयक जुबान कहते हैं आपने न सिर्फ पहुंचाया है बल्कि पहुंचाने का हक अदा कर दिया तो आप ने इस मौके पर क्या फरमाया फरमाया बल्ले, बल्ले तुम में से जो मौजूद है उन लोगों को मेरी बातें पहुंचाए जो लोग मौजूद नहीं है किन को फरमाया नबी ने सिहाबा को फरमाया फरमाया तुम्हारी यह ड्यूटी है और खत्म नबूत का सही मफहम यह है कि मोहम्मद पर अल्लाह ने नबूत और रसालत खत्म कर दी और मोहम्मद ने खुद फरमाया भी कि अल्लाह रबुलजत ने पहले अम्बिया और रसूल मबूस किए हर जमाने में हर कौम में रसूल आया कुल्लमा हाल का नबी क्यों खाला फाह नबी क्यों एक नबी दुनिया से जाता अल्लाह रबुल्जत उसके पीछे दूसरा नबी भेज देता था ये दुनिया का निज़ाम तबलीग अम्बिया के साथ था अंबिया तबलीग करते रहे उम्मत तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाते रहे लेकिन नबी के बाद ही मेरे बाद कोई नबी नहीं, मेरे बाद कोई नबी नहीं, वसा यकून खुलाफा यक मेरे मेरे बाद खुलाफा होंगे और वो बहुत ज्यादा होंगे नबी का मिशन उठाने वाले नबी के मिशन की तबलीग करने वाले सहब कराम अगर सहाबे कराम के ईमान को ना माना जाए बताए फिर नबी क्या छोड़ के गए दुनिया में नबूत और रिसालत तो खत्म हो गई उसके बाद कौन उठा है इस मिशन को लेकर किसने दुनिया को अकीदा बताया किसने तोहीद बताई किसने रिसत बताई किसने कुरान सुनाया किसने हदीस सुनाई किसने सीरत बताई ये सिहाब कराम नबी के हुक्म से के जो मौजूद हैं उन लोगों को भी पहुंचाएं जो आज यहां मौजूद नहीं और आप सल्लाम ने फरमाया नज़र नज्लामर सामी हदीसन अल्लाह हरबुल उन लोगों को खुशहाल और उनके चेहरों को तरोताज़ा रखे जो हमसे एक हदीस सुने हमसे एक हदीस सुने उसको याद करें और फिर उसको हिफाजत के साथ आगे उम्मत को मुंतकिल कर दे अल्लाह हरबुल इनके चेहरों को तरोताज़ा रखे फिर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ब्याह अदीस बयान की कि नहीं आपकी जकत का सारा निजाम अबू बकर रजी की करता बुखारी लिखवाया है अपने आमिल को। फरमाते हाँ जी ही ने हमें बताया और मोहम्मद और रसूल को अल्लाह ने सिखाया जक़ात का सारा निज़ाम मोहम्मद और रसूल से नकल करने वाले अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह कि जक़ात इतने इतने निसाब वाले लोगों पर लागू होगी इतनी गाय हो तो जक़ात इतनी ऊंट हो तो जक़ात इतना सोना चांदी हो तो जक़ात इतना अरसा गुजरे तो जक़ात ये सारा निज़ाम सहाबा ने और सबसे अव्वल अफजल तरीन से हाबी अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह उन्होंने हमारे हमारी इबादत को संवारा किसने कौन है जिसने बयान किया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन अमल अमालों पर नहीं आमाल का दारो मदार पर है आज मुसलमानों के बच्चों बच्चे को यह हदीस याद है और इसके मुताबिक हम अपनी नियतों को संवारते हैं हर अमल से पहले हम देखते हैं कि हमारी है कि नहीं मदार है नियत मदार है अमल की किसने बयान की उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह उठाए सही बुखारी पहली हदीस है उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह कहते हैं मैंने रसूल को सुना आपने फरमाया दार है और बंदे को वही मिलेगा जो उसने की। वो नहीं मिलेगा जो उसने अमल किया। वो मिलेगा जो उसने नीयत किया नीयत अच्छी है छोटे से छोटा अमल, अमल रब पहाड़ों से बड़ा बन जाता है और अमल बुरा है नीयत बुरी है और अमल चाहे कितना बड़ा है अल्लाह रब्बुल इज्जत के हार राई के दाने के बराबर भी उसकी वकत नहीं किसने बयान किया हमें किसने बताया सहाब ने नबी के वजू का तरीका उस्मान बिन अफान बयान करे और सैयदना अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ने यहां एक नुक्ते की बात बताता हूं मैं अपनी बात को आखिरी कलेमार की तरफ लेके जा रहा हूं एक नुक्ते की बात बताता हूं जो लोग सहब को नहीं मानते कहते हैं हम किसको मानते हैं अली मुर्तजा अलीजा रजिया हम किसको मानते हैं फातिमा तो रजी अल्लाह हम किसको मानते हैं हसन हुसैन रजी अल्लाह तो क्यों ना अली मुर्तजा रजी अल्लाह से पूछ लिया जाए क्यों ना उनसे पूछा जाए आप क्या कहते हैं सिहाबा की क्या शान है उनका क्या मकाम है अली मुर्तजा रजी अल्लाह उनसे पूछा गया पूछने वाले अपने बेटे हैं मोहम्मद बिन हना रिवायत सही बुखारी में है और रिवायत शिया की मोतबर तरीन किताबों में है पूछने वाले ने पूछा मोहम्मद बिन हनफिया ने पूछा यह सही बुखारी में है पूछते हैं अब्बा जी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ अयोन् नासिक रसूल सल्ला नबी के बाद रसूल के बाद सबसे बेहतरीन हस्ती इस कायनात में कौन सी है मोहम्मद बिन हनफिया अगर चेताबी हैं, सिहाबी नहीं हैं, ताबी हैं अली रजी के अपने बेटे अपने लगते जिगर हैं पता है अकीदे का सब सहाबा का अकीदा है वही मोहम्मद बिन या रहमत का अकीदा है लेकिन पूछा किस लिए आपको बताने के लिए आज हमें पता चला कि अलीज़ा रजील्लाकीदा क्या पूछा अबू जी बताए आप बताएं कि नबी के, के बाद सबसे बेहतरीन हस्ती किसकी सबसे अफजल और आला कौन है तो अली अलीजा रजी अल्लाह ने बगैर हिचकिचाह फरमाए अबू बकर नबी के बाद अगर किसी का मकाम है तो अबू बकर का कुल तो सुना मन मैंने फिर पूछा दूसरे नंबर पर कौन है अबू बकर के बाद कौन फरमाता पूछने की क्या बात है बेटा फिर उमर का मकाम है उमर बिन खत्ताब दूसरे नंबर पर नबी के बाद इस कायन में दूसरे नंबर पर उमर है मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं मैंने सोचा कि अगर मैंने अब दोबारा उसी तरह पूछा ना कि फिर कौन है यानी तीसरा नंबर किसका है तो मुझे पता है कि मेरे बाप ने क्या जवाब देना है शेरे खुदा अली ने जवाब यही देना है कि मेरे उम्र के बाद उस्मान है मुझे पता था कि मेरे अबू जी ने अली रजी अल्लाह उन्होंने अगर मैंने पूछा कि उमर के बाद कौन है तो उन्होंने क्या बताना है उस्मान कहते मैंने कहा कि चलो सवाल को बदलते हैं सवाल बदलते हैं शायद इससे जवाब बदल जाए मैंने पूछा मैंने पूछने की बजाय कह दिया कि उमर बिन खताब के बाद तीसरा नंबर तो फिर आपका ही है अली अल ने फरमाया किताब सही बुखारी की है मुर्तजा रजी ने फरमायाजुलसलमिन उस्मान बिन अफान के मुकाबले में मैं भी आम मुसलमान हूं अल मुर्तजा रजी अल्लाह ने कहा हसन हुसैन रजी अल्लाह नुमा से पूछे जो अबू बकर के कंधों पे खेलते रहे नबी के दुनिया से चले जाने के बाद सही बुखारी की हदीस है असर की नमाज पढ़ के सैदना हसन रजी निकले हैं अली अल्लाह नो के साथ तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह उन्होंने प्यार और मोहब्बत से शफकर से नबी के नवासे को उठाया अपने कंधों पर सवार कर बूढ़े अबू बकर ने हसन बिन अली रजी अल्लाह को जो उस वक़्त कम अज कम छह साल के जब नबी करीम सल्लम दुनिया से गए तो कम अज कम हसन रजी अल्लाह की उम्र पाँच साल थी उसके बाद का वाक़ यानी छह साल उम्र है बूढ़े अबू बकर है आपको पता है कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह का आहदे खिलाफत जो है बिल्कुल थोड़ा सा है सिर्फ ढाई साल और नबी करीम सल्लाह वसलम के दुनिया से जाने के बाद ढाई साल बाद आप फौत हो गए और फरमाते हैं मेरी उम्र उतनी ही है जितनी मोहम्मद और रसूल सल्म की थी यानी तिरसठ साल तिरसठ साल उम्र होने वाली यानी कम अज कम इकसठ बासठ साल तो थी उस उम्र में भी छह साल के बच्चे को उठाते और कंधों पे बिठाते हैं प्यार है मोहब्बत है और मजाक कर रहे हैं मिजाक कर रहे हैं अलीजा रजील क्या फरमाते हैं कि ये जो बच्चा है ना ये अपने नाने पे गया है शबी हम बिन नबी इसकी शक्ल मेरे नबी से मिलती है मतलब गया है दादकियां तो नहीं गया मुस्कुरा रहे मजाक कर रहे है। अली हैंजार मुस्कुरा रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं ये मोहब्बत है ये प्यार है अकीदा अहले का क्या है के सिहाबा इस कायनात के अफजल तरीन और अला तरीन इंसान और फिर सैदा आलियामत रजी अल्लाह तो दामाद है ना बहुत सारी ऐसी बातें थी जो खुद डायरेक्ट मोहम्मद से पूछने से शर्माते थे आखिरी बात है पूछने से शर्माते हैं और उधर फातिमा फातमत तो जहरा रजी अल्लाह बेटी हैं और आपको पता है बाप और बेटी का रिश्ता ऐसा होता है कि बहुत सारे मसाइल हैं कि बेटी खुद नहीं पूछ सकती बेटी पूछ नहीं सकती अपने बाप से वो मसला और उधर अलीगल मुर्तजा हैं दामाद हैं वो पूछ ही नहीं सकते शर्म के मारे। सही बुखारी की हदीस है फरमाते हैं कि मुझे एक मसला पूछना पड़ा जो मसला शर्म के मुतालिक था तो मेरी हिम्मत ना हुई कि मैं अपने सुसर मोहम्मद और रसूल से डायरेक्ट पूछू मैंने मिकदार बिन असवद को कहा जो सिहाबी है मकदार तुम जाओ नबी से ये पूछ के आओ पूछो कि किसी शख्स को अगर यह मसला पेश हो तो वो क्या करे मेरा नाम नहीं लेना मैं खुद भी नहीं पूछ सकता शर्म के मारे खुद भी नहीं पूछ सकता और तुमने भी जाकर मेरा नाम नहीं लेना बस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वैसे मसला पूछो और मुझे बता दो इसलिए मुर्तजा रजी अल्लाह नबी के रहीम से मसला पूछते हैं सहाबा के तोसु से किससे अली अल मुर्तजा को भी मसला बताते हैं तो नबी के सहाबा बताते हैं नबी की बेटी फ़ातिमा तो जहरा रजी ना जिंदगी के आदाब सीखती हैं अगर अपनी खान की जिंदगी के बारे में सीखती हैं आयशा सिद्दीक रजियाल्ला से सीखती हैं सिहाबिया से सीखती हैं उमाहामोमीद से सीखती हैं कि मोहम्मद वसलम के गुसल का तरीका क्या है और आपकी खान की जिंदगी का तरीका क्या है इसलिए सिहब करामवान मजमाइन हमारा दीन भी हैं हमारा इस्लाम भी हैं हमारा ईमान भी है अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सहाबाए-ए-इकराम के नक्शे कदम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए वा आखिर दुआना अनिल रब्बिल आलमीन